हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले से यहाँ पर अनाउंस किया था, हमने यहाँ पर बात करेंगे फुल कंप्यूटर क्लास, यानी कि हम यहाँ पर कंप्यूटर का बेसिक, कंप्यूटर के बारे में जितनी भी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं वो हम यहाँ पर जानेंगे कि कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ही दिन में हम सारा कंप्यूटर पढ़ के ख़त्म कर देंगे, कि अपना जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और आप लोग का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग यहाँ पर आकर अपने कंप्यूटर के बारे में जो भी चीज़ें आपको सीखनी है वो आप यहाँ पर सीख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आप लोग को यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी, बिल्कुल जानदार, एकदम शानदार तरीके से आपको यहाँ पर पूरा कंप्यूटर सिखाया जाएगा कि कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे काम करती हैं और कैसे चीज़ों का उपयोग करते हैं, ठीक है, और क्या इनके लाभ होते हैं, वो सब आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ यहाँ पर लाइव जुड़ सकते हैं, हम लोग आपके लिए यहाँ पर लाइव हैं और एकदम फ्री में आपको यहाँ पर क्लासेस मिल रही हैं। तो आप लोग फ्री में क्लासेस का लुत्फ़ उठाइए, आनंद उठाइए, जितना हो सके उतना सीखिए, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने थ्री इडियट्स का डायलॉग तो सुना होगा, थ्री इडियट किसने नहीं देखी है, उस वो बोलता है ना उसमें आमिर खान के, हर क्लास में ज्ञान बट रहा है, कहीं ना कहीं से ले लीजिए जहाँ से आपको लिया जाए। तो आप लोग हमारे साथ यहाँ पर अपना जो भी आपको ज्ञान लेना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की क्लासेस आप लोग जानते ही हैं कि रेगुलर क्लासेस आप लोग की चल रही हैं UPSI और ASI के लिए, और आपका TGT कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर की क्लासेस यहाँ पर रेगुलर फॉर्म से अपनी फुल फॉर्म में चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग उनकी भी तैयारी कर सकते हैं अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं ASI के लिए, या फिर किसी भी तरह के एग्ज़ाम के लिए अगर आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्ट में पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है तो आप लोग वहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। रात को 10 बजे यहाँ पर लाइव क्लास होती है अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर, तो आप लोग वहाँ पर आकर अपनी क्लास को एंजॉय और ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर और यहाँ पर आप लोग का इंतज़ार करते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे साथ कनेक्ट होइए और यहाँ पर हम एक कंप्यूटर का एक फर्राटेदार चीज़ें यहाँ पर शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम कंप्यूटर के बारे में चीज़ों को जानेंगे और सीखेंगे, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनके बारे में आप जानते होंगे, कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कौन नहीं जानता है कंप्यूटर के बारे में, तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसको आप जानते होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आप लोग को बिल्कुल नई मिलेंगी जो आप लोग नहीं जानते होंगे। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे, और एग्ज़ाम में आप लोगों के यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं से भी आ सकता है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने पूरी पूरी यहाँ पर तैयारी की है। तैयारी के साथ हम यहाँ पर आए हैं कि एग्ज़ाम में आपको किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उस हिसाब से आप लोगों के लिए ये क्लास होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं अच्छे से, एक सेकेंड का। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं हम अपना कंप्यूटर का क्लास। जो भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं हमारे साथ वो यहाँ पर अपना क्लास का मज़ा ले सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं। चलिए, क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पर ज़िम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि कंप्यूटर में छोटी मोटी चीज़ें हैं नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को यहाँ पर पढ़नी है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग को यहाँ पर सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है, उसके लिए यहाँ पर मुझे कोई टोकेगा नहीं कि कंप्यूटर की क्लास लंबी हो रही है या कुछ भी ऐसा है। तो आप लोग अपनी क्लास को यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोग को एक एक करके आप लोग को समझ में आएंगी और सारी चीज़ें आप लोग को मिलती रहेंगी। तो आप लोग हमारे साथ बस यहाँ पर आप लोग बने रहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर फर्स्ट
फर्स्ट बात आती है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कि कंप्यूटर होता क्या है। सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि कंप्यूटर क्या होता है। क्या कंप्यूटर एक वो होता है जो एक डब्बा सा बना होता है और उसमें हम लोग कुछ भी टाइप करके और कुछ भी हम सर्च कर लेते हैं या फिर अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनका इस्तेमाल कर लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल वही होता है, ठीक है। कंप्यूटर क्या है? एक वो डब्बा सा जो होता है उसको हम डिवाइस कहते हैं, और जो चीज़ें हम उसमें करते हैं उसको हम प्रोग्रामिंग या फिर उसको हम इनपुट डेटा करते हैं, ठीक है। हम जो भी उसको कुछ भी हम अगर हमें कुछ सर्च करना है, कोई कैलकुलेशन करनी है या फिर अपने जो भी प्रोग्राम्स उसमें हैं उनका मज़ा उठाना है, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? एक कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो जितनी भी गणनाएं होती हैं, जितने भी कैलकुलेशंस होती हैं, उनको चुटकियों में सॉल्व करने की क्षमता रखता है, ठीक है। कंप्यूटर कैसी डिवाइस है? एक ऐसी डिवाइस है जो जितनी भी लंबी से लंबी या बड़ी से बड़ी गणना है, कठिन से कठिन गणना है, उसको चुटकियों में सॉल्व करने का दम रखता है, क्षमता रखता है, उसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में हम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस ही नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो की जाती हैं, लेकिन इसमें हम मेनली जब भी बात करते हैं कंप्यूटर या कंप्यूटर की डेफिनेशन की, तो उसमें हम बात करते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं? कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब कंप्यूटर आने से पहले पहले क्या आया था? कैलकुलेटर आया था, ठीक है। जब कंप्यूटर नहीं था तो हम जितनी भी कैलकुलेशंस करते थे वो किससे करते थे? कैलकुलेटर से करते थे। और कैलकुलेटर में क्या होता था कि उसमें जो भी डेटा है उसको हम स्टोर नहीं कर सकते थे, ठीक है। ना ही आप उसमें प्रीवियस जाके देख सकते थे कि अभी हमने जो कैलकुलेशन की है वो क्या थी, ठीक है। ना ही उसको आप बाद में कभी देख सकते थे कि हमने जो उस दिन कैलकुलेशन की थी वो क्या थी, या उस दिन जो डेटा हम लोगों ने उसमें परफॉर्म किया था, जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया था वो क्या था, ठीक है। हेलो एवरीवन, हेलो प्रीति, हेलो दिनेश, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर पहले कौन सी चीज़ें आई थी? कैलकुलेटर आई थी, ठीक है। कैलकुलेटर में हम कोई भी डेटा स्टोर नहीं कर सकते थे, किसी भी पुराने ऑपरेशन पर जाकर हम नहीं देख सकते थे कि इसने कौन सा ऑपरेशन, किस दिन हमने कौन सा ऑपरेशन इसमें परफॉर्म किया है, ठीक है। अगर आगे भी हमें किसी डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसमें जाकर नहीं देख सकते, ना ही उसमें कोई डेटा सेव होता है, और ना ही हम उसमें चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या गलत है, क्या सही है, क्या स्टोर हुआ है, कुछ स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो कैलकुलेटर में हमें यही दिक्कत आई कि हम उसमें क्या नहीं कर पा रहे थे, कोई भी डेटा को क्या नहीं कर पा रहे थे? स्टोर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। स्टोरेज का प्रॉब्लम आया। और दूसरा क्या था कि उसमें हम कोई भी जो भी ऑपरेशन हम लोगों ने परफॉर्म किया है वो प्रीवियस जाकर हम उसमें देख नहीं सकते थे। जब स्टोर ही नहीं हुआ है तो देख कह सकते हैं, ठीक है। इसी की वजह से क्या हुआ? कैलकुलेटर का जन्म हुआ, कि कैलकुलेटर का इन्वेंशन हुआ, सॉरी कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ। कंप्यूटर आया एक डिवाइस जिसमें हम जो मैथमेटिकल, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी और लॉजिकल ऑपरेशंस, हम दोनों ही तरह के जो ऑपरेशंस हैं उनको इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं करके कि कैसे इसमें चीज़ों को सॉल्व किया जाएगा, ठीक, चाहे वो मैथमेटिकल हो चाहे वो लॉजिकल ऑपरेशंस हो, ठीक है। और विद स्टोरेज कैपेसिटी, और इसमें क्या होती है? एक स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है जिसमें आपका जो भी डेटा आप लोगों ने परफॉर्म किया है, जो भी ऑपरेशन आप लोगों ने परफॉर्म किया है वो क्या होगा? उसमें सेव हो जाएगा, ठीक है। विद स्टोरेज कैपेसिटी, कई तरह की स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर के अंदर पाई जाती है, वो हम आने वाले जो भी लेक्चर है इसी में आगे बात करेंगे किस तरह की स्टोरेज कैपेसिटीज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक एक नॉर्म हम लोगों ने जाना कि क्या है कंप्यूटर, क्या है? एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इलेक्ट्रिक मीडियम डिवाइस है, या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं विद स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि उसमें जो स्टोरेज की क्षमता होती है, किसी भी चीज़ को स्टोर करने की क्षमता के साथ हम उसमें जो भी ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया होगा? बच्चे ये सबके लिए है, मैं यहाँ पर स्पेशल नहीं बोलूंगी कि ये ASI के लिए है, बट ये सबके लिए है जिनको शॉर्ट में कंप्यूटर का सारा नॉलेज चाहिए, ये क्लास उनके लिए है, ठीक है।
ये सिर्फ आज ही आप लोग को मिल रहा है। संडे मैंने स्पेशल रखा था, बहुत टाइम से मैंने आप लोग को ये चीज़ बताई थी, जब आपके 10 बजे क्लास हो रही थी मैंने वहाँ पे आप लोग को इन्फॉर्म किया था कि ये सुबह 10 बजे आज यहाँ पर कंप्यूटर का हम बेसिक जानेंगे, जो पूरा बेसिक क्या होता है कंप्यूटर में, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। तो आप लोग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आप लोग को बिल्कुल बेसिक नहीं पता है तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कि आप जो कंप्यूटर के जितनी भी फॉर्म्स हैं, जितने भी काम हैं, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग बस हमारे साथ क्या है यहाँ पर जुड़े रहिए। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ASI का ही नहीं, किसी भी एग्जाम को लेकर आप जिसमें भी आपका कंप्यूटर पूछा जाता है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, बेसिक फंक्शंस की बात करें तो बेसिक फंक्शंस क्या हुए कंप्यूटर के, कि ये क्या करता है, इनपुट डेटा को एक्सेप्ट करता है, यानी कि कोई भी आप इनपुट करते हैं, कोई भी डेटा इनपुट करते हैं तो उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, इसका जो काम ही ये होता है कि कोई भी डेटा जो इनपुट हुआ है उसको प्रोसेस करके उसका आउटपुट प्रोड्यूस करना, यानी कि आप लोगों ने कोई भी डेटा इनपुट किया है और उसमें आप लोगों को वो जो डेटा है वो प्रोसेस होगा कंप्यूटर के अंदर, वो चीज़ें आपको जो प्रोसेस हो रही हैं वो आपको दिखाई नहीं देगा, बस आपने क्या है जो इनपुट किया है वो आपको पता होगा और जो आउटपुट के रूप में आपको मिलेगा वो आपको पता चलेगा कि इसमें आउटपुट क्या हुआ है। ठीक है, और जो आउटपुट है जो आप लोग को प्रोसेस होने के बाद मिला है वो आउटपुट कहीं ना कहीं कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो जाएगा। ठीक है, आप सेव करें वो एक अलग बात है, अदरवाइज वो अपने आप से जाके कहीं ना कहीं एक स्टोरेज मेमोरी होगी कंप्यूटर में, उसमें जाके वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, बेसिक फंक्शन है कंप्यूटर का। कंप्यूटर इसी तरीके से वर्क करता है, फिर चाहे वो कोई भी कंप्यूटर क्यों ना हो। ठीक है, सारे कंप्यूटर आपके इसी तरीके से क्या करते हैं, वर्क करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर क्या करता है, एक्यूरेसी देता है कि आप जो भी उसमें डेटा स्टोर कर रहे हैं या फिर जो भी आप डेटा उसमें डाल रहे हैं वो एक्यूरेट होगा, जो आउटपुट आपको मिल रहा है वो एक्यूरेट होगा। यानी कि जैसे कि आप लोग कुछ सर्च करते हैं कंप्यूटर में, कुछ भी आप लोग सर्च कर रहे हैं तो उसका जो डेटा है वो एक्यूरेसी होगा, यानी कि जो आपको मिलेगा वो एकदम एक्यूरेट होके मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्यूरेसी हो गया कि इसमें क्या है, सारा डेटा आपको जो बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में आप लोगों को मिलता है। एक्यूरेसी 100% का भी नहीं कह सकते, इसमें 99% ही कह सकते हैं कि 99% आपको एक्यूरेट डेटा देने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट चीज आती है स्टोरेज। स्टोरेज में आता है कि आप क्या है, स्टोरेज इसमें कोई भी डेटा होगा वो स्टोर हो सकता है, इसमें स्टोरेज की क्षमता होती है, अब इसमें अंदर मेमोरीज लगी होती हैं, स्टोरेज होता है जिसमें वो क्या है, आपका जो डेटा है जो भी प्रोसेस हुआ है या जो भी आपने इनपुट किया है वो क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। स्पीड तो इसकी है ही, इसी वजह से कंप्यूटर का जो इजाद है या इन्वेंशन है वो हुआ है, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्पीडली चीज़ों को सॉल्व करता है। मैथमेटिक्स जो भी कैलकुलेशंस हैं, जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस हैं या जो भी आप इनपुट कर रहे हैं उसको स्पीडली आउटपुट की फॉर्म में प्रोसेस करके आपको फटाफट से आउटपुट के तौर पर ये क्या करता है, दे देता है। ठीक है, यानी कि जो भी आप काम करते हैं कंप्यूटर में वो कैसा होता है, स्पीडली होता है, झट से आपका जो भी आप इनपुट कर रहे हैं वो आपको प्रोसेस होने के बाद आउटपुट के रूप में आपको मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर वर्सटैलिटी है, यहाँ पर कंप्यूटर की वर्सटैलिटी, यहाँ पर आप लोग को पता होगा इसके बारे में कि ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल होता है, कहीं भी इसको कैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मेमोरी, मेमोरी का काम भी वही है जो स्टोरेज का काम है, कि मेमोरी में क्या है, जैसे आप लोग कुछ भी याद करते हैं तो वो कहाँ जाता है, आपकी मेमोरी में जाता है, तो इसी तरीके से कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो कहाँ जाते हैं, इसकी मेमोरी में जाते हैं। ठीक है, इसकी मेमोरी में जाने का मतलब क्या है कि आप जो भी चीज़ें याद करते हैं वो सब कहाँ जाती हैं, वो सब कहाँ जाती है, मेमोरी में जाती है। इसी तरीके से ये भी क्या है, अपनी जितनी भी चीज़ें इसमें यूज होती हैं वो कहाँ जाती हैं, इसकी मेमोरी में सेव होती हैं। ठीक है, तो आप लोग इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं जिससे कि ये बाकी सब लोगों को भी मिल जाए लेक्चर। ठीक है, बाकी लोग भी हमारे साथ कनेक्ट हो सके। और दिनेश लग रहा है चले गए हैं क्योंकि उनको SI का UPSI का ठप्पा नहीं मिला। खैर कोई नहीं, ठीक है,
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर डिलीजेंस की। तो डिलीजेंस का मतलब क्या है कि जो भी चीजें हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जो भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं, वो सब एकदम करेक्ट फॉर्म में या फिर अच्छे तरीके से यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। ऑटोमेशन का मतलब है कि ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। आप लोगों ने जो भी इनपुट किया है डेटा, वो आप लोग को ऑटोमेटिक प्रोसेस होके आप लोग को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने इनपुट भी किया, फिर प्रोसेस भी आप ही कर रहे हैं, और फिर आपको आउटपुट भी प्रोसेस करने की जरूरत पड़ रही है या फिर खुद ही करने की जरूरत पड़ रही है। नहीं, सब कुछ क्या है इसमें, ऑटोमेशन या ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। रिलायबिलिटी है इसकी कि आप जो भी डेटा इसमें डाल रहे हैं, आपको इतना रिलायबल डेटा इसमें आउटपुट होकर मिलेगा कि वो आप लोगों के लिए बिल्कुल क्या होगा, एकदम सेटिस्फाइड डेटा होगा आप लोगों के लिए, एकदम रिलायबल डेटा होगा जो आप लोग को यहाँ पर सर्च करने के बाद आपको चीजें मिल जाती है, या इनपुट करने के बाद जो प्रोसेस्ड होके आपको आउटपुट मिलता है वो एकदम क्या होता है, रिलायबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो सबसे इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हिस्ट्री, ये कंप्यूटर एक्चुअल में आया कहाँ से है, कैसे आया है, इसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर जाननी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इस लेक्चर को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या करें, शेयर करें, जिससे कि आप लोग का जो यहाँ पर बच्चे यहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट हो सके, ठीक है। काफी सारे बच्चों यहाँ पर, अगर जब बच्चे कनेक्ट होते हैं ना तो अच्छा लगता है कि जब आप लोग क्वेश्चंस करते हैं और हम लोग उसके जवाब देते हैं, आमने सामने जितनी भी आप लोगों से बातें हो पाती है वो यहाँ पर करने में अच्छा लगता है। तो आप लोग इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हिस्ट्री की। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में क्या है, यहाँ पर इवोल्यूशन पढ़ते हैं। सबसे पहला जो कंप्यूटर, जो पहले चीजें आई थी कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेटर से भी पहले जो चीजें थी वो थी आपका एबेकस, ठीक है। एबेकस में आप लोगों ने देखा होगा, ये अभी भी यूज किया जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कैलकुलेशन सिखाने के लिए एबेकस का यूज किया जाता है। या फिर अगर किसी ने वैदिक मैथ का यूज किया है, कोई वैदिक मैथ पढ़ता है या वैदिक मैथ पढ़ना चाहता है, तो उसमें ये क्या है, एबेकस का यूज करके आपको प्लस माइनस सिखाते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, एबेकस क्या था, इट इज द फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन 2000 BC। 2000 BC में जो पहला कंप्यूटर था वो क्या था, एबेकस को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 1617 में जॉन नेपियर इंट्रोड्यूस नेपियर्स बोन्स फॉर कैलकुलेशन। जो जॉन नेपियर है उन्होंने 1617 में नेपियर्स बोन कैलकुलेशन के लिए, नेपियर्स बोन एक डिवाइस थी, उसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 1642 में ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड पास्कल्स कैलकुलेटर। ब्लेज पास्कल ने पास्कल्स नाम का जो कैलकुलेटर था उसको इन्वेंट किया था, किसने, ब्लेज पास्कल ने, ठीक है। इन्होंने अपने नाम पर ही उस कैलकुलेटर का नाम दिया था पास्कल्स। नेक्स्ट है यहाँ पर 1801 में जोसेफ जैकवर्ड इंट्रोड्यूस पंच कार्ड्स दैट वर यूज इन कॉटन लूम्स एंड वीविंग पैटर्न्स टू स्टोर डेटा। इट इज कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट स्टेप इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग हार्डवेयर। जोसेफ जैकवर्ड ने 1801 में पंच कार्ड जैसी मशीन को या डिवाइस को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, जिससे कि ये बहुत ही क्या था, इम्पॉर्टेंट एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था या इम्पॉर्टेंट कदम था कंप्यूटिंग हार्डवेयर में, ठीक है। तो ये क्या था, ये इसकी हिस्ट्री यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट बात करते हैं 1823 से 1834 तक चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। जो चार्ल्स बेबेज है उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, लेकिन अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता क्योंकि हर एक को बच्चे को पता होता है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिल ही जाएगा। इन 1822 ही डेवलप डिफरेंस इंजन मेड टू कंप्यूट वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये डिफरेंट है, ठीक है। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था, एक डिफरेंट इंजन को बनाया था, डेवलप किया था, जो क्या करती है, पॉलिनोमियल फंक्शन को कंप्यूट करने के या उनको सॉल्व करने के काम आती थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बेबेज वर्क टू डिजाइन अ मोर कॉम्प्लेक्स मशीन कॉल्ड द एनालिटिकल इंजन। बेबेज ने काम किया जिसमें कि क्या, उन्होंने एक और ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन को डिजाइन किया जिसका नाम था क्या, एनालिटिकल इंजन। The major innovation was the analytical engine was to be programmed using punch cards. जो major innovation था analytical engine का वो क्या था, कि वो punch card को use करके ही सारे program को कर पाए, ठीक है। Next, 1941 में J.P. Eckert and J.W. Macaulay
इन्वेंटेड इनायक, ठीक है। जो इनायक नाम का कंप्यूटर था वो किसने इन्वेंट किया था? जेपी एकर्ट और जे डब्ल्यू मैकले, और इन्होंने कब किया था? 1941 में किया था। इनायक की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। फर्स्ट कॉमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये एनआईएक है ये कैसा कंप्यूटर था, तो फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इसको याद रखिएगा। एनआईएक वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर भी था। इट वाज ट्यूरिंग कंप्लीट डिजिटल एंड कैपेबल ऑफ बीइंग प्रोग्राम्स टू सॉल्व अ लार्ज क्लास ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। और ये क्या क्षमता रखता था कि इसमें लार्ज जो भी लंबी से लंबी या बड़ी से बड़ी कोई भी प्रॉब्लम होती थी उसको सॉल्व करने का, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दम इसमें होता था, ठीक है, या क्षमता रखता था। नेक्स्ट, 1947 में जॉन वॉन न्यूमैन इंट्रोड्यूस्ड एडसेक विद स्टोरेज कैपेसिटी। 1947 में जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? एडसेक को इंट्रोड्यूस किया था, किसके साथ में? स्टोरेज कैपेसिटी के साथ में, यानी कि यहाँ से स्टोरेज, जो स्टोरेज की बात हम करते आ रहे हैं या मेमोरी की बात जो हम करते आ रहे हैं वो यहाँ से शुरू हुई है, एडसेक से। नेक्स्ट बात करते हैं एडसेक की फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिलेड स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं 1951 में मेचे एंड एकर्ट आल्सो इन्वेंटेड यूनिवैक। इन्होंने दोनों ने क्या और इन्वेंट किया था? यूनिवैक को इन्वेंट किया था। यूनिवैक की फुल फॉर्म है आपकी यहाँ पर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फुल फॉर्म्स पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि फुल फॉर्म्स आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछी जाती हैं और ऐसी ऐसी ही फुल फॉर्म आप लोगों के लिए पूछी जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, 1950 में एडवेक इंट्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जो 1950 है उसमें एडवेक नाम का जो कंप्यूटर है उसको क्या किया गया था? इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। 1971 में द इंटेल 4004 वर्ड्स फर्स्ट सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर वॉज इन्वेंटेड। 1971 में जो ये इंटेल 4004 है वर्ड्स का फर्स्ट सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर था जो इन्वेंट किया गया था, किसके द्वारा? इंटेल इंजीनियर फेडरिको फैगिन, मैरिशियन टेडोफ एंड स्टेनले मेजर, इनके द्वारा ये जो इंटेल का जो चिप है माइक्रो प्रोसेसर सिंगल चिप है उसको प्रोड्यूस या इंट्रोड्यूस या इन्वेंट किया गया था, ठीक है। सिंस द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड इन 1940s, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो 1940 में क्या हुआ था? इन्वेंट किया गया था, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी हिस्ट्री है। यहाँ पर आप लोगों को ये जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और आप लोग को पता होगा कि अगर आप लोगों को किसी चीज़ की हिस्ट्री ही नहीं पता है तो आप उसका फ्यूचर कैसे जानेंगे या फ्यूचर कैसे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं यहीं पर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो यहाँ पर फाइव टाइप की जनरेशन हैं कंप्यूटर की, पांच जनरेशन होती है, ठीक है। कितनी जनरेशन होती है? फाइव जनरेशन होती है। यहां से क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछा जाता है और वो क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जाता है कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें क्या इवॉल्व था, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन का टाइम आप लोगों से बहुत कम पूछा जाता है, टाइम आप लोग याद कर सकते हैं, इसमें टाइम का कोई भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है कि आप लोग टाइम याद नहीं कर सकते, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है, इवॉल्विंग हार्डवेयर, कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या था, सेकेंड में क्या था, थर्ड में क्या था, कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से वो पूछ लेता है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कब से इनका टाइमलाइन शुरू हुआ था। 1940 से फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, अभी हमने पीछे पढ़ा है, और ये कब तक चला था? 1950s तक चला था, ठीक है। इसमें क्या पाए जाते थे? वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब बेस्ड हार्डवेयर पाए जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में। तो ये यहाँ से खत्म हुआ है 1950 से, तो सेकेंड जनरेशन वहीं से शुरू होती है और ये 1960s तक चली, ठीक है। इसमें क्या होता था? ट्रांजिस्टर बेस्ड हार्डवेयर इसमें आने लगे थे। नेक्स्ट, थर्ड जनरेशन की बात करें तो ये 1960 से स्टार्ट होके 1970s तक चली। इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड कंप्यूटर आने लगे थे इसमें थर्ड जनरेशन में।
नेक्स्ट बात करें फोर्थ जनरेशन की, तो ये 1970 से लेके प्रेजेंट तक अभी भी चल रही है और इसमें माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ये कंप्यूटर आने लगे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें फिफ्थ जनरेशन की, तो ये अभी भी चल रही है और आगे भी चलेंगी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर, और ये कैसे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। ये चीजें आप लोग को ध्यान रखने वाली होती है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब पाई जाती थी, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर बेस्ड आए, उसके बाद थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड चिप यानी कि आईसीज का जो इजाद है या इन्वेंशन है वो होना हो गया था, और उसके बाद फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आने शुरू हो गए थे, और फिफ्थ जनरेशन में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्यूटर आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर भी कुछ इसके फैक्ट्स हैं वो हम यहाँ पर जानते हैं। 1938 में कॉनार्ड ज्यूस बिल्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट बाइनरी डिजिटल कंप्यूटर द Z1, ठीक है। जो 1938 में कॉनार्ड ज्यूज हैं उन्होंने क्या किया था, वर्ल्ड्स फर्स्ट बाइनरी डिजिटल कंप्यूटर, उन पहला वर्ल्ड का पहला डिजिटल बाइनरी कंप्यूटर बनाया था, ठीक है, बाइनरी डिजिटल कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम क्या था, Z1, ठीक है, जिसका नाम क्या था, Z1। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर 1948 में क्लॉड शैनन आइडेंटिफाई द बिट एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ डेटा एंड द बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटेशन। जो क्लॉड शैनन है उन्होंने 1948 में आइडेंटिफाई किया था बिट को, जो बिट है जिसकी मेमोरी यूनिट होती है पहली बिट, ठीक है, यूनिट ऑफ डेटा, उसके तौर पर इसको क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था कि ये क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट होगी डेटा की, जो पहली इकाई होगी वो क्या होगी, बिट होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात किया है यहाँ पर 1955 में द फर्स्ट फुली ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर ट्रेडिक डेवलप्ड। जो ट्रांजिस्टर वाले कंप्यूटर्स आए थे वो कब आए थे, 1955 में, किस नाम का था, ट्रेडिक, ठीक है, ट्रेडिक डेवलप किया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1958 में जैक किल्बी क्रिएटेड द फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि आईसी जो इंट्रोड्यूस की थी या क्रिएट की थी वो किसने की थी, जैक किल्बी ने की थी, 1958 में की थी। 1960 में कोबोल डिजाइन फॉर बिजनेस यूज, जो कोबोल लैंग्वेज है उसको डिजाइन कर दिया गया था बिजनेस यूज के लिए। नेक्स्ट बात करें 1964 में, तो 1964 में जो बेसिक है उसको क्रिएट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट 1965 में PDP-8 द फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल मिनी कंप्यूटर डेवलप्ड, PDP-8 नाम का एक फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल मिनी कंप्यूटर डेवलप हुआ था, कब, 1965 में। 1973 में इथरनेट मेथड ऑफ द नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस, जो इथरनेट मेथड का जो नेटवर्क कनेक्शन है उसको डिवाइस किया गया था 1973 में। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर 1984 में, तो एप्पल कंप्यूटर लॉन्च, जो एप्पल के कंप्यूटर थे वो 1984 में लॉन्च हो चुके थे, द मैकिंटोश, द फर्स्ट सक्सेसफुल माउस ड्रिवन कंप्यूटर। जो मैकिंटोश है वो क्या था, फर्स्ट सक्सेसफुल माउस ड्रिवन कंप्यूटर था, जो माउस के द्वारा यूज किया जाता था, ठीक है, जो माउस के द्वारा काम किया जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं 1989 में वर्चुअल रियलिटी अ कंप्यूटर जनरेटेड 3D एनवायरनमेंट डेवलप्ड। जो 1989 में क्या हुआ था, वर्चुअल रियलिटी बेस्ड कंप्यूटर जो थे वो जनरेट कर दिए गए थे, यानी कि जिनमें 3D एनवायरनमेंट डेवलप किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर 1993 में इंटेल इंट्रोड्यूस पेंटियम प्रोसेसर, इंटेल ने पेंटियम प्रोसेसर नाम का एक जो प्रोसेसर है उसको इंट्रोड्यूस किया था, कब, 1993 में। 2000 में माइक्रोसॉफ्ट अनवील्स विंडोज 2000, 2000 में माइक्रोसॉफ्ट ने जो विंडो 2000 है उसको अनवील्स कर दिया था, यानी कि उसको इंट्रोड्यूस कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग को पता होनी चाहिए कंप्यूटर के बारे में, अगर आप लोग चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आप लोग को ये सारी चीज़ें आप लोग को पता होनी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में पहला आता है पोर्टेबल कंप्यूटर, जो आप पोर्टेबल कंप्यूटर किसे कहते हैं, जो भी हम जो आसानी से हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं, कहीं भी उसको खोलकर हम काम कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल का मतलब ही क्या था, क्या होता है, इजीली यूज, ठीक है, जिन्हें हम इजी यूज कर सकते हैं या इजीली कैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से कैरी कर सकते हैं, चाहे आप वो बैग में हो, चाहे वो ब्रीफ केस में हो, किसी भी तरीके से आप लोग उसको कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जैसे आपका क्या है, लैपटॉप है, नोटबुक है, पर्सनल डिजिटल यानी कि जो PDA है वो है, ठीक है, जो आपका टैबलेट होता है, वो सारी चीजें किस में आती हैं, पोर्टेबल कंप्यूटर में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की।
तो मिनी कंप्यूटर क्या होता है, ये आप लोग देख रहे हैं कि काफी छोटा एक कंप्यूटर होता है जिसको आप लोग, ये भी क्या है एक तरीके से पोर्टेबल ही है, आप लोग इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, दे आर मीडियम लेवल मल्टी यूजर कंप्यूटर, ये बहुत ही मीडियम लेवल के मल्टी यूजर कंप्यूटर कहलाते थे। एज कंपेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर, दीज कंप्यूटर ऑपरेट एट स्लोअर स्पीड। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसके मुकाबले इनकी जो स्पीड है वो कैसी होती थी, स्लो होती थी। इनका जो काम करने का स्पीड है वो कैसा होता था, स्लो होता था। और इनमें लेसर मेमोरी यानी कि कम मेमोरी के ये होते थे। ये किसके लिए यूज किए जाते थे, दीज आर यूज बाय इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक, फैक्ट्रीज फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड्स। ठीक है, इनके द्वारा यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। तो माइक्रो कंप्यूटर आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह का डेस्कटॉप वाला जो कंप्यूटर होता है आप लोग के घर में आप लोग के होगा। ठीक है, दीज आर द सिंगल यूजर कंप्यूटर, ये सिंगल यूजर कंप्यूटर है, इन्हें आप लोग कहीं पर भी कोई दूसरा बंदा एक साथ में यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स आर ऑफन कॉल्ड एज पर्सनल कंप्यूटर, इनको हम और क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, यानी कि पीसीज कह देते हैं इन्हें हम। द होम कंप्यूटर इज अ पीसी प्रोवाइडिंग एजुकेशन, जो आपके घरों में लगे होते हैं ये जो कंप्यूटर होते हैं वो, उनको हम क्या कहते हैं, पीसी कहलाते हैं या माइक्रो कंप्यूटर इन्हें हम कह देते हैं। ठीक है, ये आप लोग के एजुकेशन के लिए काम आ सकते हैं, एंटरटेनमेंट के काम आ सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के लिए काम में लाए जाते हैं या ये फैसिलिटीज को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह का कंप्यूटर होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर काफी बड़े होते हैं ये कंप्यूटर, और काफी लार्ज, काफी एक्सपेंसिव होते हैं। अब आप लोग यहाँ पर इमेज देखकर कह रहे होंगे ये कंप्यूटर है या फिर वार्डरोब्स हैं। ठीक है, अलमीरा है, तो ये अलमीरा नहीं है, ये कंप्यूटर है। मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर इसी तरह के होते हैं जिसमें आपका पूरा एक रूम में इनका सेटअप लगा होता है, जो बहुत ही ज्यादा लार्ज होते हैं और बहुत ही ज्यादा क्या है, एक्सपेंसिव भी होते हैं। इट इज अ मल्टी यूजर कंप्यूटर, मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है एंड हैज लार्ज मेमोरी, और इनकी जो मेमोरी होती है वो काफी ज्यादा होती है। इट इज कैपेबल ऑफ हैविंग स्पीड्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल मिलियंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन एज पर सेकेंड, यानी कि जितने भी काम इसमें आप कर सकते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पीडली होते हैं, पर सेकेंड में ऑपरेशन को परफॉर्म करने की क्षमता इसमें होती है। दीज कंप्यूटर्स हेल्प इन रेलवे रिजर्वेशन एंड सच अदर ऑपरेशन, इस तरह के जो रेलवे रिजर्वेशन होते हैं, एयरप्लेन रिजर्वेशन होते हैं, उनमें ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सुपर कंप्यूटर भी बहुत लार्ज कंप्यूटर होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज के लिए, बहुत ज्यादा जो बड़े कंप्यूटर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर कहते हैं। ये पूरा एक रूम जैसा होता है जिसमें ये कंप्यूटर लगे होते हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च करने के काम आते हैं, जो रिसर्च में लगे होते हैं, जो आप लोग के जो साइंटिस्ट होते हैं उनके साथ में कंप्यूटर लगे होते हैं। आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि पूरा एक सेटअप लगा होता है कंप्यूटर्स का, जिसमें आप लोग को सारी चीजें एक ही उसमें दिखाई देती रहती है, तो वो कैसे होते हैं, उनको हम बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। ठीक है, जो साइंटिफिक रिसर्च, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री, डिफेंस एंड बिजनेस ऑफ अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस लाइक मॉलिक्यूलर डायनामिक्स, एरोस्पेस, न्यूक्लियर वेपन, सीज्मिक स्टडीज, ऑयल एक्सप्लोरेशन, जियोलॉजी, इन सब के लिए क्या किया जाता है, ये यूज किया जाने वाला कंप्यूटर है क्या, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं, मेमोरी, सीपीयू और आपका इनपुट आउटपुट यूनिट, यानी कि आप क्या करते हैं इसमें कोई भी जो डेटा है उसको क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट करेंगे, वो कहाँ जाएगा, उसके बाद सीपीयू में प्रोसेस होगा और वो क्या होगा, फिर मेमोरी में जाके सेव हो जाएगा। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है, जो वर्क करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कंप्यूटर के द्वारा हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन ही तो करते हैं कंप्यूटर के द्वारा, जो हम अपनी जो अपने क्या है आइडियाज हैं, जो भी अपने आइडियाज हैं, जो अपनी फीलिंग्स हैं या जो भी अपनी बातें हैं, उसको हम किसके द्वारा रख पाते हैं, कंप्यूटर के द्वारा रख पाते हैं या कंप्यूटर के फंक्शंस के द्वारा हम रख पाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपसे आप लोगों से बातें कर रही हूँ या आप लोगों को समझा रही हूँ, तो वो क्या है, एक तरह का कम्युनिकेशन है कि मैं आप लोगों से चीज़ों को शेयर कर रही हूँ, चीज़ों को समझा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, एक ने क्या किया, एक जो इसको बोलेंगे हम सेंडर, ठीक है, सेंडर ने क्या किया, कोई भी डेटा को क्या किया, इनपुट किया। इनपुट जो होगा वो क्या होगा, डेटा होगा। ठीक है, क्या इनपुट किया है उसने, डेटा इनपुट किया है। वो डेटा इनपुट होने के बाद क्या कहां गया, प्रोसेसिंग में गया। ठीक है, प्रोसेसिंग हुआ तो प्रोसेसिंग होके वो क्या बना, डेटा से इंफॉर्मेशन बना। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज को, क्योंकि बहुत काम आने वाली चीज है ये, आगे तक आप लोगों को काम में आएगी। ठीक है, इनपुट जो किया वो क्या था, डेटा था।
डेटा के बाद वो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद वो इन्फॉर्मेशन बना, और इन्फॉर्मेशन होने के बाद वो क्या हुआ, आउटपुट मिल गया आप लोगों को। वो आउटपुट कहाँ, स्टोरेज में जाके सेव हो गया। जो प्रोसेस हुआ वो कहाँ हुआ, मेन मेमोरी में जाके सेव हुआ। ठीक है, तो ये सभी क्या कहलाता है, एक कम्युनिकेशन कहलाता है, या कंप्यूटर का एनालॉजी या आर्किटेक्चर कहलाता है, कि एक कंप्यूटर जो वर्क करता है वो इसी तरीके से आपका वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अब इसके आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर की मतलब है कि इसकी बनावट कैसी है। जैसे आर्किटेक्चर होते हैं ना, घर बनाते हैं, इसी तरीके से कंप्यूटर के आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो कंप्यूटर आर्किटेक्ट यानी कि कंप्यूटर किस तरीके से बना होता है या क्या क्या चीजें इसमें लगी होती हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं कंप्यूटर में होता क्या है। कंप्यूटर में एक इनपुट डिवाइस होती है जो क्या करती है, डेटा को इनपुट करने का काम करती है। उसके बाद जो डेटा है वो प्रोसेसिंग में जाता है, तो प्रोसेसिंग में क्या होता है, सीपीयू। सीपीयू में जाके क्या है, आपका डेटा प्रोसेस होता है। सीपीयू में तीन चीजें होती है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट और आपका क्या, मेमोरी यूनिट। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस होने के बाद वो डेटा क्या बन जाता है, एक आउटपुट डिवाइस पे आपको प्रेजेंट होके डेटा दिख जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आपका आउटपुट डेटा या आउटपुट इंफॉर्मेशन कहलाती है। ठीक है, जो आउटपुट के तौर पे मिलेगी वो इंफॉर्मेशन होगी, जो डेटा होगा वो क्या होगा, आपका इनपुट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर की। तो ये आप देख सकते हैं हार्डवेयर जो भी जितनी भी सॉलिड चीजें हैं कंप्यूटर के साथ में जो आपकी लगी होती हैं, जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं आसानी से, तो वो क्या है, आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, आप सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं, कंप्यूटर का डेस्कटॉप है, प्रोजेक्टर है, कीबोर्ड है, माउस है, चिप है, मेमोरी कार्ड है, या फिर पेन ड्राइव है, कैमरा है, वेबकैम है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये सभी क्या है, इसके हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यहाँ पर हार्डवेयर में ही चीजें आ जाती है। जैसे आपकी इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस में क्या है, आपका कीबोर्ड है, उसके बाद माउस है, आपका ट्रैक बॉल है, ठीक है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, ये टच स्क्रीन है, आपका बार कोड है, ये सभी क्या है, आपकी इनपुट डिवाइस है। OMR, OSER, MICR, स्मार्ट कार्ड, ठीक है, बायोमेट्रिक सेंसर, स्कैनर। कई बार आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कैनर जो है वो आउटपुट है या इनपुट है, तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, बट नो, ये क्या है, आपकी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें माइक्रोफोन, वेबकैम। आउटपुट डिवाइस में बात करें तो आउटपुट डिवाइस में क्या है, आपका मॉनिटर है। जो मॉनिटर आपका तीन तरह का होता है, CRT, LCD और LED। इन सबके अगर डिस्क्रिप्शन में आप लोग जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इन सबके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी जहां पर इनके बारे में मैंने खुल के डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्टिव तरीके से बात की गई है, जहां पर पूरे अच्छे तरीके से समझाया गया है कि ये सब क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो सब मैंने वहां पर समझाया है। तो आप लोग वहां पर वीडियोस को चेक कर सकते हैं, वीडियोस को वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम जो बात करने आए हैं वो इन चीजों के बारे में बात करने आए हैं कि चीजें होती क्या क्या हैं, उनके बारे में जानने के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट मिली है वहां पर आप लोग वीडियोस को देख सकते हैं। वहां पर मैंने पूरा आपको डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे कैसे चीजें होती हैं, कैसे वो वर्क करती हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस में क्या है, मॉनिटर है जो तीन तरह का है, CRT, LCD, LED। नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर भी कई तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर। नेक्स्ट यहाँ पर डेजी व्हील में लाइन प्रिंटर, ठीक है, ड्रम प्रिंटर है। उसके बाद यहाँ पर आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आ जाता है, ये आउटपुट डिवाइस में चल रहा है, इंकजेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है। उसके बाद प्लॉटर्स आ जाते हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर या ड्रम प्लॉटर, ठीक है, इस तरह के आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर स्पीकर्स में आ जाते हैं, स्पीकर है, हेडफोन्स है, प्रोजेक्टर है, ये सभी क्या है, इसके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और इनके बारे में अगर आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्टिव में पढ़ना चाहते हैं, फुल ऑन क्या चाहते हैं इसका जो पूरा क्या है डिस्क्राइब आप लोग करना चाहते हैं, तो आप लोग इसको डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड डिवाइसेस के बारे में। तो यहाँ पर जो मेमोरी के टाइप्स हैं, कितने टाइप की मेमोरी होती है, तीन टाइप की मेमोरी होती है बेसिकली, तो दो ही टाइप की मेमोरी होती है, एक मेन मेमोरी और एक आपका सेकेंडरी मेमोरी। ये कैश मेमोरी अलग से होती है, या फिर इसी के अंदर ये छोटी सी एक मेमोरी होती है, जिसके बारे में टाइप्स में अगर पूछा जाता है कि कितने टाइप की मेमोरी होती है, तो आप लोग सिर्फ दो ही टाइप की मेमोरी बताएंगे कि दो टाइप की मेमोरी होती है। लेकिन अभी इसको हम क्या करते हैं, तीन टाइप की मेमोरी में पढ़ते हैं, कैश मेमोरी भी हम लोग
पढ़ते हैं, ठीक है। मेन मेमोरी में क्या होता है, रैम और रोम मेन मेमोरी कहलाती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है जो आप अलग से इसमें मेमोरी लगवाते हैं, या आपको स्टोरेज की क्षमता अगर बढ़ानी है तो आप लोग को मेमोरीज का प्रयोग करना होता है, ठीक है, जो आप अलग से मेमोरी को अटैच करके आप सारा डेटा उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पर सीडी है, डीवीडीज है, मेमोरी कार्ड है, फ्लॉपी डिस्क है, फ्लैश डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, हार्ड ड्राइव है, ये सारी क्या होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। मेन मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के अंदर ही है और इसी में आपका जितना भी डेटा है, जो भी आपका जो डेटा वर्क करता है वो कैसा होता है, वो कहाँ जाके सेव होता है, मेन मेमोरी में जाके सेव होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कैश मेमोरी, तो कैश मेमोरी में क्या होता है कि जब भी आप कोई डेटा प्रोसेस करते हैं तो वो पहले कैश मेमोरी में जाता है, ठीक है। जब भी आपने कोई डेटा इनपुट किया तो वो पहले कहाँ गया, कैश मेमोरी में गया, फिर कैश मेमोरी से वो प्रोसेसिंग में जाएगा और प्रोसेसिंग के बाद वो कैश मेमोरी में आएगा और फिर वहां से आपको आउटपुट में मिलेगा। तो ये क्या करती है, जो इनपुट है उसके बीच में यहाँ पर कैश मेमोरी के काम करती है और फिर यहाँ पर प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रोसेसिंग होती है और फिर यहाँ पर कैश मेमोरी होती है और फिर आपका क्या है, ये आउटपुट के तौर पे आपको मिलता है आपका जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, ये बीच में एक तरीके से कह सकते हैं कि किसका काम कर रही है, मीडिएटर का काम कर रही है, कि ये बीच में ले जाने लाने का काम कर रही है कि अगर कोई इनपुट कर रहा है तो वो डेटा भी पहले कैश मेमोरी में जाएगा, थोड़ी देर वहां रुकेगा, फिर वहां से प्रोसेस होगा, फिर वहां से आपका कैश मेमोरी में वापस आएगा और फिर आपको आउटपुट के तौर पे आपको जो डेटा है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। ये होती है मेमोरी के टाइप्स। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की बात की थी हम लोगों ने, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर की बात करना जरूरी है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर आपके जो भी चीजें, जो एप्लीकेशंस होती हैं, ये जो सेट ऑफ एप्लीकेशन या सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिनके द्वारा आपकी एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। जितनी भी एप्लीकेशंस आप यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। ये जैसे कि आप लोग गूगल क्रोम है, गूगल मैप्स है, ठीक है, बहुत सारी यहाँ पर एप्लीकेशंस हैं, फेसबुक है, इंस्टा है, ओपरा है, ठीक है, विंडोज का है, गूगल क्रोम का है, अमेजोन, मिंत्रा, ये सारी चीजें यहाँ पर आप लोग को दिख रही हैं, बहुत सारे आपको यहाँ पर लोगोस दिखाई दे रहे हैं, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं आपके सिस्टम में, जैसे कि आप लोग कभी नया फोन लेकर आते हैं तो नए फोन में ऑलरेडी आपको कुछ एप्स जो है वो इंस्टॉल करके दी होती है, जिसके थ्रू आप क्या कर पाते हैं, अपने जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है या फिर आपका फोन है उसको क्या कर पाते हैं, आप प्रोसेस कर पाते हैं, काम शुरू कर पाते हैं उस पे, ठीक है। तो एक बेसिक सा सॉफ्टवेयर आपको उसमें डाल के दिया होता है जिससे कि आप उसको ऑन कर पाएं और उसके साथ में वर्क कर पाएं, शुरुआत उसकी कर पाएं, उसके लिए आपको कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट करके दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो होते हैं जो आप अपनी इच्छा अनुसार जो सॉफ्टवेयर है उनको डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे कि आप लोगों को प्ले स्टोर की जरूरत है तो आपने प्ले स्टोर डाउनलोड कर लिया, आपको व्हाट्सएप की जरूरत है तो आपने व्हाट्सएप डाउनलोड कर लिया, अमेजोन की जरूरत है तो अमेजोन डाउनलोड कर लिया, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती हैं जो आप अपनी इच्छा अनुसार बाकी बाद में क्या करते हैं, उन्हें डाउनलोड करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस का काम करता है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरफेस का मतलब है कि जो भी मतलब जैसे यूजर के साथ में, जैसे कि मैं हूँ यहाँ पर, मेरे साथ में आपको अगर कनेक्ट कर रहा है या फिर मेरी डिवाइस तक मेरे को कनेक्ट कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, जो मुझे मेरे हार्डवेयर यानी मेरे कंप्यूटर के साथ में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, मुझे ये अनुमति दे रहा है या मुझे ये काम करने की जो है क्या दे रहा है, अनुमति दे रहा है, मुझे बोल रहा है कि मैं इस पे काम कर लूँ, ठीक है, जो भी मैं इसमें काम कर रही हूँ उसके लिए मुझे ये मतलब अनुमति दे रहा है, मैं इस पे कोई भी काम इस पे कर पा रही हूँ, तो वो किसकी वजह से कर रही हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से कर रही हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में ब्रिज का काम करेगा, या आप इसको कह सकते हैं कि किसका काम करेगा, ये इंटरफेस का काम करेगा, ठीक है, एज अ इंटरफेस काम करता है, या इसको हम ब्रिज भी कह देते हैं, ब्रिज यानी कि पुल के तौर पे काम कर रहा है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, यूजर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, जिसमें आपके एप्लीकेशंस होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, ठीक है। जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं या जितने भी आपकी वर्किंग है वो क्या की जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही क्या की जाती है, कंट्रोल की जाती है, ठीक है, ऑपरेट करना,
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग की। तो नेटवर्किंग डेटा कम्युनिकेशन के बारे में हम लोगों ने बात की कि कम्युनिकेशन क्या होता है। जब आप एक जगह से बैठ के दूसरी जगह पर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी से संचार कर रहे हैं या किसी से अपनी बातों को रख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। यानी कि कम्युनिकेशन आपका दो तरह का होता है। पहला यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन है, दूसरा यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन है। इन द सेंस ऑफ कम्युनिकेशन, नॉट ओनली डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। हम यहाँ पर कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो वहां पर क्या है, एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, और वहां पर आपको चीजें, जो सेंडर है वो रिसीवर तक चीजें पहुंचाएगा और रिसीवर क्या है, सेंडर तक चीजें पहुंचाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो डेटा कम्युनिकेशन किया जाता है, जो डेटा आपका, जो डेटा कंप्यूटर समझता है या कंप्यूटर में जो चीजें इनपुट की जाती हैं वो किस फॉर्म में यहाँ पर ली जाती हैं, तो वो क्या है, आपका डिजिटल टाइप का डेटा यहाँ पर लेता है, जो जीरो और वन की फॉर्म में कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है, ठीक है, या फिर प्रोसेस करता है, ठीक है। जीरो और वन की फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फॉर्म बोलते हैं। डिजिटल में, डिजिटल टाइप का डेटा जो होता है उसमें क्या होता है, बाइनरी फॉर्म में डेटा आपका लिया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, या फिर उसको आउटपुट भी जो किया जाता है वो बाइनरी की फॉर्म में ही आउटपुट किया जाता है, ठीक है। वो आपको दिखाई नहीं देता, आपको सिर्फ क्या मिलता है, आपको अल्फाबेटिक या न्यूमरिक, जो भी आप अल्फा न्यूमरिक डेटा आप देते इनपुट करते हैं वो प्रोसेस होके आपको उसी तौर पे मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जो ये जीरो और वन और बाइनरी फॉर्म की है वो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है। वो कंप्यूटर किसको, किस लैंग्वेज में समझता है, बाइनरी फॉर्म में ही सारे डेटा को कन्वर्ट करता है, फिर आपको डेटा प्रोसेस करने के प्रोसेस करके आपको आउटपुट प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करें यहाँ पर एनालॉग में। तो एनालॉग का जो डेटा होता है वो किस तरीके से आता है, वो आपको वेव्स की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, वेव की फॉर्म में मिलेगा, जो आपको इस तरीके का डेटा होगा, ठीक है, जो एक तरीके से हार्ट बीट की तरह से काम करेगा, जैसे होती है ना हार्ट बीट होती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ये वेव्स की फॉर्म होगा, ठीक है, वेव फॉर्म में मिलेगा आपको, जो वेवलेंथ होती है या वेव्स की फॉर्म होती है, जो रेडियो वेव्स होती है उसके फॉर्म में आपको जो डेटा, जो डेटा है एनालॉग में, वो इस तरीके से प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड में दोनों टाइप का डेटा होता है, जिसमें हम बात करें तो डिजिटल भी होता है और आपका एनालॉग का मिक्सचर भी होगा, यानी कि इसमें जीरो और वन में भी जाएंगी और वेव फॉर्म में भी चीजें क्या होंगी, जाएंगी, ठीक है, कंप्यूटर में। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कम्युनिकेशन चैनल्स की। कम्युनिकेशन चैनल में तीन टाइप के कम्युनिकेशन चैनल होते हैं, इसको हम ट्रांसमिशन मोड भी कहते हैं। पहला है यहाँ पर सिंप्लेक्स, दूसरा हाफ डुप्लेक्स और तीसरा यहाँ पर फुल डुप्लेक्स मोड, ठीक है। अगर सिंप्लेक्स मोड की बात करें तो सिंप्लेक्स मोड में क्या होगा कि एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, और सेंडर वहां पे अपनी बात रिसीवर तक पहुंचाएगा, लेकिन रिसीवर से कुछ भी सेंडर के पास नहीं पहुंचेगा, यानी कि कोई भी फीडबैक के तौर पे उसको कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स मोड। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं वन वे कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, वन वे कम्युनिकेशन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ से जो जो ट्रांसमिशन है वो हो रहा है, उसमें दूसरी तरफ से ट्रांसमिशन एक टाइम पे नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स में आते हैं, तो हाफ डुप्लेक्स में होता है, एक सेकेंड, जो सिंप्लेक्स मोड है वो आपके किस किस में होते हैं, रेडियो में होता है और आपका टीवी में होता है। जो सिंप्लेक्स मोड का जो ट्रांसमिशन है वो सिर्फ रेडियो और टीवी में होता है, जिसमें आप लोग सिर्फ चीज़ों को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन उसमें आप कुछ भी अपना रिस्पांस या अपनी फीडबैक अपनी उसमें नहीं दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हाफ डुप्लेक्स मोड की, तो हाफ डुप्लेक्स में होता है कि ये होता तो वन वे ही है, ये भी होता तो क्या है, वन वे कम्युनिकेशन ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक बार एक रास्ते से अगर कोई गया है, यहाँ पर सेंडर है, यहाँ पर रिसीवर है, तो रिसीवर दूसरे बार में, रिसीवर अपनी बात सेंडर तक पहुंचा सकता है, ठीक है, लेकिन एक बार में नहीं पहुंचाएगा, एक ही टाइम पे नहीं पहुंचाएगा, सेम टाइम पे नहीं पहुंचाएगा। कि अगर मान लो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ और मेरी बात आप लोग सुन रहे हैं, तो आप लोग मुझे कुछ नहीं बोल पाएंगे अगर मैं यहाँ पर कमेंट्स ऑफ कर दूं तो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हाफ डुप्लेक्स हो जाएगा अगले के। लेकिन क्या है कि थोड़ी देर बाद आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने अच्छा पढ़ाया या फिर आपने खराब पढ़ाया या ये चीजें कैसी यूज होंगी या क्या जो भी है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, हाफ डुप्लेक्स मोड कहलाएगा। कि आप सेम टाइम पे मुझसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, मुझे बाद में उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स मोड।
नेक्स्ट बात करें फुल डुप्लेक्स मोड की, तो फुल डुप्लेक्स मोड का क्या है कि मैं आपसे वीडियो कॉलिंग करूं क्या कुछ भी करूं तो क्या है, सामने सामने से आप बात करेंगे, एकदम जो मैं आपसे पूछूंगी वो आप मुझे डायरेक्टली बताएंगे। कमेंट्स यहां पर ऑन है, तो कमेंट्स के साथ भी आप क्या कर रहे हैं, ये भी फुल डुप्लेक्स मोड चल रहा है कि मैं आपसे कुछ भी अगर पूछ रही हूं तो आप मुझे कमेंट के जरिए चीजों को बता रहे हैं, ठीक है। जो हाफ डुप्लेक्स मोड है वो वॉकी टॉकी में यूज होता है, जो पुलिस वाले यूज करते हैं क्या वॉकी टॉकी, और फुल डुप्लेक्स मोड तो आप लोगों को पता ही है कि किस में, मोबाइल फोन्स में और लैपटॉप्स में यूज किया जाता है, ठीक है, किस में, मोबाइल फोन्स में। जैसे कि आप लोग कोई बात कर रहे हैं किसी से भी, तो क्या हो गया, साथ के साथ आप बात कर रहे हैं और साथ के साथ आपको क्या मिल रहा है, रिप्लाई भी मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड मोबाइल और लैपटॉप का फुल डुप्लेक्स मोड ट्रांसमिशन मोड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स की। कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स होते हैं लैन, वैन, पैन, मैन, ठीक है। ये सारे आपके कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स हैं। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, वैन यानी कि वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, पैन का होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, और मैन का है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये सभी आप लोग के इसके फुल फॉर्म्स हैं, यहाँ से एक तो क्वेश्चन आप लोग को फुल फॉर्म के तौर पे मिल जाते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क डब्ल्यू वैन का वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, पैन का पर्सनल एरिया नेटवर्क, और मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये एन है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब है कि जो लोकली एरिया आपका कनेक्ट होता है किसी नेटवर्क के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि एक बिल्डिंग में या एक ऑफिस में आप लोग का जो नेटवर्क्स हैं या कंप्यूटर्स हैं या पीसीज हैं वो एक ही नेटवर्क से क्या कर दिए गए हैं, कनेक्ट कर दिए गए हैं, उनको हम बोलते हैं लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट बात करें अगर वैन की, तो वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे इसके नाम है तो क्या है, ये पूरे वर्ल्ड में इसके नेटवर्क्स को हम यूज कर सकते हैं, इसको हम कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब है कि पर्सनली ही आपने कोई नेटवर्क लिया हुआ है और उससे आपने पीसीज को क्या हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट बात करें मेट्रोपॉलिटन, तो ये क्या होता है कि एक पूरे मतलब एक पूरी जगह के लिए यूज किया जाता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए यूज किया जाता है, जो सिटीज हैं मतलब कोई शहर में जोड़ा गया है या फिर किसी जगह पे आप लोगों ने क्या किया है, एक नेटवर्क को कनेक्ट कर दिया है, उसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव वीडियोस आप लोग को यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में है वो आप लोग को मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको वीडियोस के लिंक मिलेंगे, जिसमें आपको भरपूर डिस्क्रिप्शन में आप लोग को वीडियोस मिलेंगी। यहाँ पर हम सिर्फ चीज़ों को जान रहे हैं कि चीज़ें होती क्या हैं, बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर हम चीज़ों का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, बाकी इनके जो खानदान के बारे में जानना है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी जो लिंक्स, उसमें आप लोग इनके खानदान के बारे में भी जान सकते हैं, खानदान इन द सेंस के पूरा उसके बारे में नॉलेज आप जान सकते हैं, पूरे आप लोग को जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसमें आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें नेटवर्क टोपोलॉजी, तो नेटवर्क टोपोलॉजी किस टाइप की होती है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और आपका ट्री टोपोलॉजी। टोपोलॉजी इसका मतलब क्या है कि जो भी कई तरह के मतलब आपको जो अलग अलग तरीके से जो डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से सर्वर के साथ में जो क्लाइंट नेटवर्क्स हैं वो क्या है कनेक्ट हो रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं टोपोलॉजी। कई तरह की होती है ये, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और आपका मैश टोपोलॉजी, ठीक है। अलग अलग तरीके से आपके जो डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करने का नाम ही क्या है आपकी टोपोलॉजीज कहते हैं। नेक्स्ट बात करें एमएस ऑफिस की, तो एमएस ऑफिस में आपको क्या क्या चीजें मिल जाती है, एमएस ऑफिस का जो पूरा पैकेज है उसमें आप लोगों को क्या क्या चीजें मिलती हैं, एमएस पावर पॉइंट मिलता है, एमएस वर्ड मिलता है, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस और एमएस आउटलुक मिलता है। पावर पॉइंट में आप लोग जो प्रेजेंटेशन हैं वो बनाते हैं, वर्ड में आप लोग जो भी अपना डॉक्यूमेंटेशन वाला काम है वो आप वर्ड में करते हैं, एक्सेल में आप लोग जो भी अपना जो स्प्रेडशीट का काम होता है, जो भी आपका अकाउंट से संबंधित काम है वो आप एक्सेल में करते हैं, इसी तरीके से एक्सेस और आउटलुक भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। एमएस ऑफिस का ये क्या कहलाता है, एमएस ऑफिस का फुल पैकेज कहलाता है, जिस तरीके से आपको फुल पैकेज किसका मिल रहा है, कंप्यूटर की क्लास का मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेट की। अब इंटरनेट कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट के बाद में बात करेंगे तो इंटरनेट की भी तो चीजें आती हैं, तो इंटरनेट में क्या चीजें होती हैं, डब्ल्यू 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 इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, जो आप लोग देखते हैं कि आप लोग कोई एड्रेस डाल रहे हैं या फिर कहीं आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो उसके सामने लिखा आता है www.adhyanadda.com। तो ये क्या है, एक वेबसाइट का नाम है, एक वेबसाइट का एड्रेस है जो पूरे वर्ल्ड वाइड में आपको क्या है मिल जाएगी। ठीक है, तो ये गूगल पे आप लोग को मिलेगी, तो ये क्या है एक वर्ल्ड वाइड में आप लोग को मिल जाएगी, कहीं भी आप इसको सर्च करेंगे तो ये क्या होगा पूरे वर्ल्ड में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वेब पेज की। तो जब आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं जो पहला पेज खुलता है दैट इज कॉल्ड वेब पेज, होम पेज, उसको हम क्या कहते हैं वेब पेज कहते हैं। ठीक है, जिस पर आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो इमेजेस की फॉर्म में हो, चाहे वो ग्राफिक्स की फॉर्म में हो, या फिर आपकी वीडियोस की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में आपको वेब पेज पे जो डेटा है वो मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं वेबसाइट। तो वेबसाइट्स आप लोग जानते होंगे कि जो वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, जो आपके वेब पेजेस होते हैं उनको कलेक्शन, उनका जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वेब ब्राउजर की। अब हमारे पास में ये सारी चीजें हो गई, तो इन्हें सर्च करने के लिए, यूज करने के लिए हमें कोई ब्राउजर भी तो चाहिए, तो वो क्या होता है वेब ब्राउजर होता है, जहां पर आप इन चीजों को सर्च कर पाते हैं या फिर उनके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोग देख पाते हैं। नेक्स्ट आता है वेब सर्वर। ये सर्वर क्या करता है, जो आप इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए इनपुट करते हैं वो वेब सर्वर के पास जाती है। वो एक तरीके से आपने क्या किया है उसको, इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए आपने एक रिक्वेस्ट डाली है, वो रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स कौन करता है, वेब सर्वर करता है। तो सर्वर का काम है कि जो भी चीजें हैं उसको मतलब रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना और आपको चीजें क्या करना, रिस्पॉन्ड करना उस रिक्वेस्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यूआरएल की। तो यूआरएल होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जहां पर आपको चीजें क्या है, जो आपका एड्रेस होता है आपकी वेबसाइट का या जो वेब एड्रेस होता है उसको हम क्या कहते हैं यूआरएल कहते हैं। ये हर एक का अलग अलग होता है, हर जितनी भी आपके होस्टिंग्स हैं, जो भी आपके वेब होस्टिंग्स हैं, वो सब क्या क्या है, ये अलग अलग यूआरएल आपको दिया जाता है। एक तरीके से ये एड्रेस है जो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें डोमेन नेम की। तो डोमेन नेम क्या है, जब आपकी वेबसाइट में .edu या .gov ये सब लगा हुआ आता है, इनको हम बोलते हैं डोमेन नेम। यानी कि एक तरीके से जो वेबसाइट्स हैं उनको एक नाम दे दिया गया है कि आप भैया ये नाम की वेबसाइट चलाइए। अगर आप लोग गवर्नमेंट के अंदर आते हैं तो आपको .gov मिल जाएगा, अगर आप लोग की जो वेबसाइट है वो एजुकेशन के अंडर आती है तो आपको .edu करके डोमेन नेम मिल जाएगा। तो ये एक तरीके से डोमेन नेम्स इस तरीके से दिए जाते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉग्स। तो ब्लॉग्स में आप लोग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आप सोचते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं एज अ रिटन फॉर्म। ठीक है, आप इमेजेस की फॉर्म में कर सकते हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में कर सकते हैं, या फिर आप लोग GIF की फॉर्म में जो भी अपनी चीज़ें हैं उसको क्या कर सकते हैं ब्लॉग के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और वीलॉग्स होते हैं, जो वीलॉग्स होते हैं ये आप वीडियोज़ की फॉर्म में अपना जो भी अपनी बातें हैं वो वीलॉग्स के जरिए आप लोग दुनिया के सामने रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं न्यूज़ ग्रुप। तो न्यूज़ ग्रुप में होता है जो बुलेटिन्स होती हैं, जो आपके न्यूज़ में जो बुलेटिन्स चलती हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूज़ ग्रुप। जो बुलेटिन आपकी लगातार लगातार आती रहती हैं, जो आपके जो जैसे आप लोग बोल रहे होते हैं और यहाँ पर साइड में बुलेटिन्स चल रही होती हैं, नीचे चल रही होती हैं, या फिर जो जब वो एक तरीके से बोलते हैं ना कि 100 मिनट में 100 खबर्स, तो वो सारी क्या है वो बुलेटिन्स जो काम करती हैं वो न्यूज़ ग्रुप का एक हिस्सा होती हैं। नेक्स्ट बात करें सर्च इंजन। तो हम लोगों ने वेबसाइट्स बना ली, डोमेन नेम हमें मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो हमें एक सर्च इंजन भी तो चाहिए जो उसको सर्च करके हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको प्रदान कर दे या उसको दे दे हमें ढूंढ ढांड के कि भैया तुमने जो पूछा है कि मेरी शादी कब होगी, तो वो सब आपको ढूंढ ढांड के दे देगी कि तुम्हारी शादी इस डेट में हो सकती है, भैया तुम्हारी जो कुंडली है उसमें शादी का योग नहीं है, जो भी है चीज़ें। ठीक है, वो सारी चीज़ें जोक सपाट, तो सारी चीज़ों को ढूंढने का काम कौन करता है, सर्च इंजन करता है। जैसे आप लोग का सर्च इंजन है गूगल है याहू है, ये तरीके क्या है सर्च इंजन आप लोग के कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इंटरनेट की सर्विसेज की। तो इंटरनेट की सर्विस में आप लोग चैटिंग देखते हैं कि चैटिंग आप लोग कर पाते हैं इंटरनेट की वजह से, ईमेल आप लोग सेंड कर पाते हैं इंटरनेट की वजह से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप इंटरनेट की वजह से कर पाते हैं, ई लर्निंग हो पाती है, ई शॉपिंग हो पाती है, ई बैंकिंग आप लोग कर पाते हैं। ये सभी क्या है इंटरनेट की सर्विस है, यानी इंटरनेट की वजह से आप इन सारी सर्विसेज का क्या है लुफ्त उठा पाते हैं कि आप कहीं भी बैठे किसी से भी कोई भी चैटिंग आप लोग कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, वो चाहे वीडियो की फॉर्म में हो, चाहे वो आपके टेक्स्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो आपके इमेजेस या इमोजीज की फॉर्म में क्यों ना हो। ठीक है, इसी
तरीके से आप लोग ईमेल सेंड कर सकते हैं किसी को भी, उसके साथ में आप कोई भी अटैचमेंट लगा के। ईमेल का मतलब होता है कि आप लोग कुछ भी जो डेटा आप लोग दे रहे हैं वो ज्यादा मात्रा में टेक्स्ट के फॉर्म में, या ज्यादा मात्रा में आप ईमेल, ज्यादा मात्रा में जो आपका इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा है तो उसको आप ईमेल के जरिए सेंड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप लोग कोई भी मीटिंग अटेंड करते हैं, जैसे बिजनेस की कोई मीटिंग है या ऑफिस की कोई मीटिंग है, आप लोग वो अटेंड करते हैं तो वो क्या कहलाती है आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जहां पर एक सामने से किसी भी डिवाइस से आप कनेक्ट होते हैं, कोई भी नेटवर्क से आप कनेक्ट होते हैं और वो क्या है आपसे आमने सामने बैठकर बात कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ई लर्निंग होती है कि आप जो पढ़ते हैं थ्रू द कंप्यूटर, थ्रू द लैपटॉप, थ्रू द फोन्स के जरिए जो आजकल लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सब क्या कहलाती है, ई लर्निंग कहलाती है। यानी कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करके आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करके, मीडिया नहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, इस तरीके से ई शॉपिंग और ई बैंकिंग। ई शॉपिंग में क्या होता है कि आप लोग घर बैठे ही कोई भी शॉपिंग कर रहे हैं, कोई बुक मंगा रहे हैं, कोई ड्रेस आई है, कोई सेल आई है तो आप लोग ड्रेस मंगा रहे हैं या कुछ भी चीजें आप लोग मंगा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ई शॉपिंग। जो घर बैठे ही आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड ई शॉपिंग। नेक्स्ट, यहाँ पर ई बैंकिंग जो आजकल आप लोग का चल रहा है कि अगर आप ई शॉपिंग कर रहे हैं, कोई भी चीज खरीद रहे हैं, तो आप क्या है उसका या तो आप पहले से ही उसका पेमेंट कर देते हैं या फिर आप लोग जो डिलीवरी के टाइम पे पेमेंट का ऑप्शन रखते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग पहले कर देते हैं तो उसको हम ई बैंकिंग ही बोल रहे हैं कि आपने क्या कर दिया है, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है। ठीक है, ई बैंकिंग का मतलब है कि इसमें आप लोग की बैंकिंग की जितनी भी सुविधाएं हैं वो आप लोग ऑनलाइन ही सारी चीजों का क्या है आनंद उठा सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं और उसका लुत्फ उठा सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ई बैंकिंग। ठीक है, ये हुई इंटरनेट की सर्विसेज की बात। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, स्पेसिफिकेशंस और लैंग्वेजेस की बात कर लेते हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं या कौन कौन सी लैंग्वेजेस इसमें होती हैं, उनके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्योंकि कोई भी जो भी आपके जो लैपटॉप जो भी वर्क कर रहा है, कंप्यूटर जो भी वर्क कर रहा है, वो किसके तौर पे कर रहा है, उसमें जो प्रोग्राम्स बनाए गए हैं और प्रोग्राम्स किसके थ्रू बनाए जाते हैं, उनकी एक लैंग्वेज होती है जिसमें प्रोग्रामिंग की जाती है और वो कोडिंग को क्या किया जाता है, आपके जो कंप्यूटर हैं या लैपटॉप्स हैं उनमें सेट किया जाता है। जो एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे हैं वो ऐसे ही नहीं है कि आप लोग के सामने एक मोबाइल पे एक आइकन आपको दिखता है तो आप लोग उस पर क्लिक करते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं, तो वो जो आइकन जो एप्लीकेशन बना है वो किसकी वजह से बना है, लैंग्वेजेस की वजह से बना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की वजह से बना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, उसमें कोडिंग की जाती है, एक तरीके का नया एक तरीके का एक कोड बनाया जाता है जिससे एक एप्लीकेशन बनके तैयार होती है। ठीक है, तो यहां पर पहली बात करें तो पहली लैंग्वेज जो आई थी वो फोर्ट्रान आई थी, जिसका नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको यूज किया जाता था कोडिंग यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च और कैलकुलेशन के लिए इसका यूज किया जाता था, 1957 में ये आई थी। तो यहाँ पर दो चीजें याद रखने वाली हैं कि फोर्ट्रान जो है वो पहली लैंग्वेज आई थी और इसमें फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म है और 1957 में आई थी। नेक्स्ट है आपका कोबोल। कोबोल लैंग्वेज आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका नाम है, 1957 में ही ये भी आई थी और यूज्ड इन बिजनेस कंप्यूटेशन। जो बिजनेस कंप्यूटेशंस हैं यानी बिजनेस के जितने भी कैलकुलेशंस हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उसके लिए यूज किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एल्गोल की, तो एल्गोल का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज इसका नाम है। द लैंग्वेज दैट गिवन अ स्कोप फॉर डेवलपिंग द सी, सी प्लस प्लस एंड जावा लैंग्वेज। ये जावा लैंग्वेज और सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज को डेवलप करने का स्कोप का एक तरीका है क्या, एल्गोल। ठीक है, उसके बाद सी लैंग्वेज आई थी, इन्वेंटेड बाई डेनिस मैक एल्स्टर रिटजी इन 1972। दिस लैंग्वेज कोडिंग रिप्लेस बाई जावा नाउ। ये जो लैंग्वेज है वो पहले मतलब सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके एप्लीकेशन बनाई जाती थी, लेकिन अब क्या कर दिया है, जावा ने सारी ही लैंग्वेज को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेंड चल रहा है, अब सिर्फ जावा लैंग्वेज का ट्रेंड चल रहा है, इसके बाद जो लैंग्वेज है वो अभी तक कोई नई लैंग्वेज आई नहीं है। जितनी भी सारी कोडिंग या जितनी भी सारी एप्लीकेशन आप लोग जो नई नई एप्लीकेशन देख रहे हैं वो जावा में ही कोडिंग की करके इनको क्या किया गया है, एप्लीकेशन के तौर पे बनाया गया है। सी लैंग्वेज में हम दो तरह के कमांड देते हैं, एक प्रिंट एफ देते हैं और एक स्कैन एफ देते हैं। प्रिंट एफ का मतलब होता है कि हमें क्या चाहिए, अब आउटपुट चाहिए, तो वो आउटपुट स्टेटमेंट के लिए होता है कोड, और स्कैन एफ जो होता है वो इनपुट के लिए कोड दिया जाता है। जब हम कोडिंग करते हैं ना, तो सी में जब हम कोडिंग करते हैं तो ये दो तरह की स्टेटमेंट हम देते हैं।
नेक्स्ट आता है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस इसी का एक इन्वेंशन वाला रूप था कि इससे थोड़ा सा एक क्या है इनोवेटेड या थोड़ा सा बढ़ के एक नया रूप इसका आया था। दिस कंप्यूटर गेम बेसिक गेम्स बेसिक्स आर डेवलप्ड यूज दिस लैंग्वेज, ठीक है, इन्वेंटेड बाय बिजार्ने स्ट्रॉस्ट्रप। ये स्ट्रॉस्ट्रप के द्वारा क्या किया गया था, इन्वेंट किया गया था। द कंप्यूटर गेम्स बेसिक्स वर डेवलप्ड यूजिंग द लैंग्वेज, जो कंप्यूटर के गेम्स हैं वो किस लैंग्वेज को यूज करके बनाए गए हैं, सी प्लस प्लस के लैंग्वेज को यूज करके बनाए गए हैं। नेक्स्ट आता है आपका HTML। HTML में बात करें तो HTML में इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और ये वेब पेजेस को बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। जो भी आपके वेब पेजेस डिजाइन किए जाते हैं वो HTML लैंग्वेज में डिजाइन किए जाते हैं या देखे जाते हैं, ठीक है। HTML का जो आपका जो वेब पेज होता है वो कुछ इस तरीके का वेब पेज आप लोग को दिखाई देता है। यहाँ पर कहीं पर आपको टेक्स्ट दिखाई देगा, कहीं पर आपको हाइपर लिंक दिखाई दे देगी जहां पर क्लिक करके आप दूसरे पेज पर ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। कहीं पर आपको कुछ इमेजेस दिखाई देंगी, कहीं पर आपको कुछ GIF दिखाई देगी, कहीं पर आपको इस तरीके का लाइन और यहाँ पर कोई बुलेटिन चलती हुई नजर आएगी। तो ये सारा जो कमाल होता है ये HTML का होता है, जिसके थ्रू आप क्या कर पाते हैं, जो भी आपके वेब पेजेस डिजाइन किए गए हैं उनको आप देख पाते हैं, उनका जो फॉर्मेट है उसको देख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो इनोवेशन रूप जावा का आया है वो है जावा, ठीक है। मतलब लैंग्वेज का जो इनोवेशन रूप आया है वो सबसे ज्यादा क्या है, अब जावा का चलन चल रहा है। थोड़ी सी टिपिकल भी होती है ये बाकी लैंग्वेजेस से, लेकिन एक बार जो सीख जाए उसके लिए क्या ही टिपिकल है। तो द लैंग्वेज यूज फॉर वेब पेज क्रिएशन, वेबसाइट होस्टिंग। अब ये जो भी काम, अब सारे जितने भी काम होते हैं लैंग्वेजेस के, वो अब जावा पे ही डिपेंड करते हैं। जावा ही सारे काम को कर रही है, यानी कि वेब पेज क्रिएशन भी अब जावा कर रही है, वेबसाइट होस्टिंग का काम भी क्या कर रही है, जावा कर रही है। किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ये सन माइक्रोसिस्टम्स के द्वारा डेवलप किया गया था। इन्वेंटेड किसके द्वारा किया गया था, जेम्स गोसलिंग के द्वारा और उसकी टीम के द्वारा इन्वेंट किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, दोनों ही चीजों में डिफरेंस है। सन माइक्रोसिस्टम्स के द्वारा क्या है, इसको डेवलप किया गया है, और इन्वेंट किसके द्वारा किया गया है, इसको जेम्स गोसलिंग के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया है। तो ये सभी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर बेसिक बेसिक चीजें जो भी हैं मैंने आप लोगों को बता दी हैं, यहाँ पर चीजों को आप लोग देख सकते हैं और उसको दोबारा दोबारा चीजें आप लोग देखकर पढ़ सकते हैं कि ये सारी चीजें क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। तो यहाँ पर अभी जो हम लोगों ने चीजें पढ़ी हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनका क्या है, एक इंट्रोडक्शन है, एक बेसिक सा एक फॉर्मेट जान लिया है हमने कंप्यूटर का ऊपर ऊपर से, कि इनमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे ये चीजें वर्क करती हैं। वो सब डिटेल्स में अगर आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर, जो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट दी गई है वहां पर आप लोग डिटेल्स में इनके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेक्चर में आज इतना ही। आई होप आप लोग को जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। यहाँ पर चीज़ों को आपने कुछ चीज़ें जो होंगी नई सीखी होंगी, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लोग को पता होंगी, वो बहुत अच्छी बात है। आप लोग को चीज़ें पता हैं तो, और नई चीज़ें आप लोगों ने सीखी हैं तो वो और भी अच्छी बात है। बस आप लोग का काम है सीखना और हम लोग का काम है सिखाना, तो आप लोग इसी तरीके से सीखते सिखाते रहिए। हमें भी आप लोग कुछ चीज़ें सिखा सकते हैं अपने कमेंट्स के जरिए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग के कमेंट्स बिल्कुल फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कमेंट हैं, तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और इसमें कोई चीज़ें अगर रह गई हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ें आप लोगों ने जो पढ़ाया उसमें ये चीज़ें रह गई हैं, ठीक है। तो आप लोगों से विदा लेने का टाइम हो गया है मेरा, अब मैं चलती हूँ यहाँ पर। तो आपका संडे मैंने थोड़ा सा शायद डिस्टर्ब कर दिया क्लास लेकर, बाकी संडे है थोड़ा सा इंजॉय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब संडे मंडे तो खैर के आइए, सब दिन छुट्टी सी रहती है आप लोग की, तो ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग अपनी तैयारी को इसी तरीके से चार चांद लगाते रहिए हमारे साथ मिलके, और अपनी तैयारी को एक कहते हैं ना बुलंदियों की ऊंचाई पे आप लोग लेकर जाइए, ठीक है।